हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट की फुल एक्टिविटी, जिसमें हमने पहले फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, जो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में जो कवर किए थे हमने, फाइल रिकॉर्ड, एस्पर शिपमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर असेसमेंट, इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, नेगोशिएशन, सप्लायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लास्ट पार्ट इसका जो बचा है, उसमें हम कवर करेंगे एडवांस लाइसेंस, ईपीसीजी लाइसेंस, रिडेम्पशन इन द कस्टम, रिडेम्पशन एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, बॉन्ड कैंसिलेशन एंड फसाई रिटर्न, सप्लायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे सप्लायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एडवांस ईपीसीजी लाइसेंस, रिडेम्पशन इन द कस्टम। ठीक है, तो इम्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इम्पोर्ट केस में होता क्या है, जब हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो उसके हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। अगर आप रॉ मटेरियल्स या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, उस गुड्स को जो आपका गुड्स है वो आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी ड्यूटी फ्री रहेगी, उस पर आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होगी। क्योंकि लेकिन आपको एक्सपोर्ट करना होगा और फॉरेन करेंसी इंडिया में लानी होगी, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व है उनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। तो यहाँ पे एडवांस और ईपीसीजी की बात करें तो उनको रिडम्पशन कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट करने के लिए हमने, जैसे आपकी शिपमेंट आ गई, ठीक है, तो शिपमेंट आने से पहले हमें लाइसेंस अप्लाई करना होगा। जैसे आप कोई ऐसी मशीन बना रहे हो, मंगवा रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी और जो मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बनेगा वो आप एक्सपोर्ट करोगे, तो ऐसी मशीन इम्पोर्ट करने से पहले आपको एक लाइसेंस लेना होगा, जिसे ईपीसीजी लाइसेंस कहते हैं। इसके लिए आप डीजीएफटी से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करके लाइसेंस ले सकते हो। तो इसको रिडिम्पशन करवाना, जैसे रिडिम्पशन इन द सेम वे रॉ मटेरियल के लिए आप एडवांस लाइसेंस ले सकते हो। तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने से पहले रॉ मटेरियल के लिए एडवांस लाइसेंस ले लेंगे, और ये लाइसेंस रिडिम्पशन कैसे होते हैं वो आपके जैसे ही कस्टम में आ जाएंगे, तो बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करोगे तो उस टाइम जब ड्यूटी के पे करने के जो ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे एचएसएन कोड होता है, वहाँ पे आप लाइसेंस लगा दोगे कि इस लाइसेंस के रिस्पेक्ट में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया आपका लाइसेंस रिडिम्पशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अगर वाउचर होते हैं, मूवी वाउचर, तो आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे पेमेंट की जगह वो वाउचर दिखा देते हैं, तो आपकी पेमेंट नहीं लगती है। इन द सेम वे यहाँ पे लाइसेंस को हम रिडीम करते हैं इम्पोर्ट करने में, तो हमारी कस्टम ड्यूटी बच जाती है। ठीक है, अब बात करें हम रिडम्पशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की। अब यहाँ पे हमने लाइसेंस रिडीम कर लिया और हमने लाइसेंस की में जो जितना एक्सपोर्ट करना था वो भी हमने कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन इंपोर्ट की थी जिसपे ड्यूटी बचाई थी 10 लाख। ठीक है, तो लाइसेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना होगा, जिसमें हमें 10 × 6 लाख, मतलब कि जो ड्यूटी सेव की उसका 6 टाइम एक्सपोर्ट करना होता है इन डॉलर। ठीक है, तो 10 लाख की ड्यूटी थी, छः छः गुना आपका 60 लाख हो गया। अब 60 लाख को आप डिवाइड कर दोगे डॉलर से, मतलब जो भी एक्सचेंज रेट होगा, तो वो डॉलर बन जाएगा। तो उतना डॉलर आपको फॉरेन करेंसी इंडिया में लानी होगी, तब आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा होगा, आपको रिडेम्पशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हो कि हमने जो ड्यूटी फ्री करने का जो इम्पोर्ट लाइसेंस लिया था उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया है। ठीक है, आप हमें एक रिडेम्पशन लेटर दे दो, मतलब कि आप हमें आपकी तरफ से एक ओके मिल जाएगी कि ये ऑब्लिगेशन इसका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उसमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं, तो हमें प्रूफ देना होता है गवर्नमेंट को कि इम्पोर्ट किया था उसका प्रूफ, तो उसमें बिल ऑफ एंट्री लग जाएगी। एक्सपोर्ट किया उसका प्रूफ, तो उसमें शिपिंग भी लग जाएगा। तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं, जितनी हमने ड्यूटी सेव की उसका बिल ऑफ एंट्री लगानी है, और जितना आपने एक्सपोर्ट किया और उसका 6 टाइम ड्यूटी सेव की उसका एक्सपोर्ट किया फॉरेन करेंसी जो आई है, तो उसके लिए आपको वो शिपिंग बिल लगाना है। इस पर लाइसेंस नंबर मेंशन होना चाहिए जो आप जिसका आप रिडेम्पशन फाइल कर रहे हो। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री भी लाइसेंस मेंशन होना चाहिए, और इम्पोर्ट के केस में और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल में लाइसेंस नंबर होना चाहिए, सो दैट कि वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो और गवर्नमेंट उनको वेरीफाई कर पाए कस्टम में, और जैसे ही उनकी तरफ से देख लेते हैं कि हाँ इनका एक्सपोर्ट पूरा गया था, तो वो आपको रिडेम्पशन लेटर दे देगी। तो यहाँ पे रिडेम्पशन एप्लीकेशन का सेकेंड टॉपिक था। अब बात करें बॉन्ड कैंसिलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो एडवांस लाइसेंस के लिए आपने रिडेम्पशन एप्लीकेशन फाइल की, तो जैसे ही आपको रिडेम्पशन लेटर आपको मिल जाता है, ईओडीसी बोलते हैं जिसको, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो मिल जाता है, तो आपके पास में ये हो जाता है कि आप गवर्नमेंट आपको अब उसके लाइसेंस के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना है, और आपने ड्यूटी सेव की थी उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा गया। लेकिन जो आपको कस्टम ने जो बॉन्ड आपने दिए थे, ठीक है, जब आपने इम्पोर्ट किया था उस टाइम कस्टम को आपने एक बॉन्ड दिया था लिख के कि हम ये शिपमेंट ईपीसीजी लाइसेंस के अंडर इम्पोर्ट कर रहे हैं,
और हम जो ड्यूटी सेव कर रहे हैं इसका 6 टाइम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम ये ड्यूटी जितनी भी हम नहीं पे किए उसको इंटरेस्ट सहित आपको रिटर्न करेंगे, मतलब पे करेंगे। तो ये एक बॉन्ड हमने दिया था, तो उस बॉन्ड को हम कैंसिल करवाएंगे जब हमें रिडम्पशन लेटर मिल जाएगा। ठीक है, रिडम्पशन लेटर कब मिलेगा? जब आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते हो तो जो बॉन्ड हमने दिया था वो बॉन्ड के हिसाब से हमें जितनी भी कस्टम ड्यूटी पे करनी थी वो हमें इंटरेस्ट से ही पे करनी पड़ेगी। अगर आपने रिडम्पशन जितना भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर दिया और आपको रिडम्पशन लेटर मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप फिर क्या उस जो बॉन्ड है उसको कैंसिल करा दो, क्योंकि हमने आपका जो बॉन्ड दिया था, मतलब जो हमारी जो ऑब्लिगेशन थी वो पूरी फिल हो गई है। जो हमने बॉन्ड दिया था वो आप कैंसिल करके हमें दे दो। ठीक है, तो वो बॉन्ड कैंसिलेशन करवाना जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट तो यही सोचेगी उन्होंने बॉन्ड दे रखा है, हो सकता है इनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो बॉन्ड कैंसिलेशन एक लास्ट स्टेप होती है एमपीसी और एडवांस लाइसेंस की, जो हमें मिलने के बाद हम हमारा बॉन्ड हमारे स्टैम्प लग के कस्टम से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वेडर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो लास्ट का आप देख सकते हो। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि एडवांस लाइसेंस, एपीसी लाइसेंस, रिडम्पशन का क्या प्रोसीजर है, और जब इनका रिडम्पशन हो जाता है और उसका एक्सपोर्ट हम कर देते हैं इनके रिस्पेक्ट में, तो उसका ऑब्लिगेशन के लिए रिडम्पशन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, और फाइनली बॉन्ड कैंसिलेशन कैसे करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।